हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी, जिसके लिए हमें देखिए क्या क्या चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने ली है 300 ग्राम शिमला मिर्च, जिनको मैंने देखिए ऐसे पीसीज में कट करके रख लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर लिया है, 200 ग्राम यहाँ पर मैंने प्याज ली हैं, जिनको मैंने देखिए ऐसे बड़ा बड़ा कट करके रख लिया है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टमाटर जिसकी मैंने प्यूरी बनाकर रख ली है, नमक स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 पिंच, हींग 1/2 चम्मच, देगी मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट। चलिए देखिए फ्रेंड, अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल दूंगी हींग, मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और इनको अच्छे से सौते कर लूँगी। देखिए हमारी प्याज कितने अच्छे से भून गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। हमारे लहसुन प्याज भी भुनने लग गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी टोमेटो प्यूरी और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए फ्रेंड, अब हमारे टमाटर भी कितने अच्छे से भुन रहे हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, अब हमारे मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है और हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। इसमें मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च, और इसको डालकर अच्छे से पहले मैं मिक्स कर दूंगी और साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें पनीर और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूंगी। इसको मैं 2 मिनट के लिए ऐसे ही खुला
पका लूँगी। फिर मैं इसको ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अभी मैं इसको मसाले में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। चलिए फ्रेंड, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, एक बार मैं इसको चला देती हूँ। अभी हमारी शिमला मिर्च को भी और टाइम लगेगा। अभी मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसको मैं फिर से 1 मिनट के लिए ढककर पका लूंगी। लीजिए फ्रेंड, अब हमारी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये लीजिए फ्रेंड, अब हमारी सब्जी बनकर खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।